अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टेबलेट ज़ायरेटेक के बारे में कि ज़ायरेटेक टेबलेट हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें ज़ायरेटेक टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये सब कुछ जाने इसी वीडियो में। ज़ायरेटेक टेबलेट के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर जो फार्मूला पाया जाता है सेट्राइज़िन पाया जाता है और ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसन है। ज़ायरेटेक एक हिस्टामिक एजेंट है जो जिस्म के अंदर एलर्जी पैदा होती है उसको दूर करने के लिए ज़ायरेटेक का इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि नाक से पानी बहना और नाक बहना और आंखों में हारिश होना और नाक में छींके आना और इसके अलावा जिस्म के ऊपर खारिश होना, तो उसी कंडीशन में ज़ायरेटेक का इस्तेमाल करवाया जाता है। जो कुदरती मादे हमारे जिस्म के अंदर पैदा होता है तो उसको हिस्टामिन उसकी पैदावार को रोकता है जो जिस्म में एलर्जी पैदा करता है, और ज़ायरेटेक के अंदर गनूदगी का असर तो मौजूद होता है लेकिन एवल और रेजिक्स के मुकाबले में बहुत कम होता है। तो इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर हजरात इसको ज़ायरेटेक को रिकमेंड करते हैं, लेकिन ज़ायरेटेक का इस्तेमाल हमेशा रात को करना चाहिए क्योंकि जितनी भी एंटी एलर्जिक मेडिसन है तो उसके अंदर गनूदगी होती है, और जब भी एंटी एलर्जिक मेडिसन इस्तेमाल करने के बाद कोई हेवी मशीन वगैरह का इस्तेमाल ना करें और ड्राइविंग करते हुए बड़ी एहतियात करें। अब बात करेंगे साइड इफेक्ट के बारे में, तो कुछ ज़ायरेटेक के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसा कि चक्कर आना, गनूदगी का ज़्यादा होना, वोमिटिंग होना, और ये साइड इफेक्ट बहुत कम लोगों को होते हैं और ये अलामत उन लोगों को ज़ाहिर होते हैं जो लोग जिगर की बीमारी में मुबतला है, और बेहतर ये है कि जो लोग इस ज़ायरेटेक का इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें, और बेहतर ये है कि जो लोग इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को चाहिए कि अपनी डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। और इसके अलावा गुर्दे के अगर गुर्दे की कोई बीमारी हो तो उसी कंडीशन में भी एलर्जी कंडीशन में ज़ायरेटेक टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर इस्तेमाल करना ज़रूरी हो तो डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे डोसेज यानी तरीका इस्तेमाल, तो एक टेबलेट रात को इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर बच्चों में इस्तेमाल करना हो तो बच्चों में ज़ायरेटेक सिरप का इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।